फिरोजाबाद में पुलिस ने चुनाव से पहले एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहां से कई बने और अर्ध बने तमंचों के साथ ही तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहीं एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने कहा कि थाना रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कल शाम शाहिद नगर, अबू हरेरा और कॉलेज के मकान में छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 3 तमंचे, 3 कारतूस, 8 नाल, ड्रिल मशीन समेत तमंचे बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किए। देखिए, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शस्त्र विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति राहुल उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 तमंचे 315 बोर, 12 बोर की एक पौनिया, 3 तमंचे अधबने 315 बोर तथा भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। इसका एक आपराधिक इतिहास है, ये पहले भी 4 बार शस्त्र फैक्ट्री के अपराध में जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से इस तरह के कई कार्य में विराम लगे।